Krishna Singh Bisht, actor. He's played the role of Krishna in the film. Mayank Tiwari, he's my co-writer on Newton. He was also the star of Suleimani Keeda. This is Naren Chandavarkar. He's the music director. He's done the song and the background score for Newton. And I'm Amit Masurkar. Thank you. Yeah, Swapnil Sonawane will be joining. Swapnil is the cinematographer of the film. Thank you. I want to begin with how does it feel, obviously? Feels very good. We are very happy that Newton got the best Hindi film award, and thank you for your love, audiences, the jury, and of course the whole team. Amit, कोई कसर रह गई है ऑस्कर के लिए इंडिया से भेजी गई थी और बहुत चर्चा हो रही थी कि न्यूटन को वहाँ मिल सकता है तो कोई कसर रह गई नेशनल अवार्ड तो मिल गया लेकिन कसर बाकी रह गई कि कास्ट ऑस्कर में कुछ कमा लेता है ऑस्कर में क्या होता है कि वर्ल्ड के सारी सारे देश अपने अपने बेस्ट फिल्म्स को भेजते हैं और वहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ होती है तो हमने पूरी कोशिश की मगर किस दूसरे फिल्म्स को मिल गई तो हमें खुशी है कि हम वहाँ तक पहुँचे तो See, there is no connection between the two. That was something else. This is an independent jury which is giving us an award. So I'm really thankful to the jury headed by Mr. Shekhar Kapoor, which gave us this award. And I'm sure that we'll be inspired to make more films the way we want to make, thanks to this. Amit, congratulations to all of you. Thank you. अंदर से अंदर से एस्माइल इज मैंडेटरी या हैड द चांस टू स्पीक टू राज एंड पंकज जी आपके बात भी कुछ हमें बताया सो राज एंड पंकज जी बोथ आर शूटिंग राइट नाउ सो वी रियली विश दे वर हियर बट अभी फोन पे बात कर लीजिए अभी मैं करता हूँ फोन पे बात बाद में वो शूट कर रहे होंगे अभी सेट पे होंगे आप लगा दीजिए फोन मैं करता हूँ बात क्योंकि वो शूट पे है अभी तो तो पंकज जी को भी स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है तो वो भी बहुत खुश है तो ट्विटर पे उन्होंने भी अपना मैसेज डाला है तो आप वो देख लीजिए प्लीज मैं बहुत खुश हूँ अवार्ड एज ए राइटर ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस फिल्म में हम दोनों ने लिखा है इन्होंने डायरेक्ट किया उसको इतना बड़ा रिकग्निशन मिला है और आई थिंक दैट जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है वो ये कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अमित उनकी पूरी विजन उनकी पूरी हार्डवर्क रिसर्च वो सब चीज़ एक तरह से रंग लाई है और एक बहुत बहुत बड़ा वैलिडेशन है कंट्री का सबसे बड़ा प्राइज़ है तो मैं बहुत खुश हूँ Well, Newton was of course not what one would call a commercial blockbuster film. So when it gets a national award, one of the most prestigious awards in India, how much does it add to your portfolio getting bigger studios on board for your next project? Newton, I believe, was a commercial film because how do you define a commercial film? You know, commercial films are films which people want to watch and people watch. So I would say that Newton was a commercial film because people did go and see the film in the theaters and people connected with it. How was your collaboration with Rose and Kalyan? How was your experience? Amazing experience working with Mr. Anand Rai. He's one of my favorite directors, and I also respect him a lot. So it was really great to have his support and the support of the Eros family. And also, I have to mention that producer Manish Mundra, he was also a big support for us throughout this journey. Amit,
फार आनंद वाटतोय की हा अवॉर्ड मला मिळाला आहे, नॅशनल अवॉर्ड. आणि माझी पूर्ण टीम इथे नाही आहे, राजकुमार आणि पंकज त्रिपाठी आणि अंजली रघुवीरजी हे सगळे शूटिंगमध्ये बिझी आहेत म्हणून त्यामुळे आले नाही, येऊ नाही शकले. पण जे कोण होते मुंबईमध्ये ते सगळे इथे आहेत. सो हो, तर त्यांच्याशी माझं बोलणं झालं आणि ते सगळेजण फार आनंदात आहेत, कितना खुशी आहे की अवॉर्ड मिळाला. नाही, अशी काही अपेक्षा ठेवली नव्हती, पण एक मनात असतं की मिळालं तर बरं होईल आणि मिळालं, हे यामुळे आनंद वाटला. अच्छा, पानी मिलेगा सर, आपकी सारी टीम यहाँ बैठी है, आपकी बात करें सर इनसे. पंकज जी, ये अभी आपसे बात करवा के वीडियो ले रहे हैं मेरा. एक मिनट, आपको मैं स्पीकर पे डाल देता हूँ. आपका फोन है स्पीकर? हाँ स्पीकर. हेलो पंकज जी, थोड़ा तेज बोलिए. मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. स्पीकर लगा नहीं. मैं कहा पंकज जी, त्रिपाठी जी आप माइक. हेलो. हाँ पंकज जी, कांग्रेचुलेशन, स्पेशल मेंशन. थैंक यू. मैं भी बात. थैंक यू. मेरे साथ बाकी लोग भी हैं, मयंक से बात कीजिए. हेलो पंकज जी, बधाई हो आपको बहुत बहुत. मैंने आपको सवेरे भी फोन किया था, आपका बिजी था नंबर. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमसे फोन करवा रहे हैं आपको. थैंक यू. थैंक यू. ये लो, कृष्णा से बात कर रहा हूँ. तो अगली फिल्म पे अभी अभी काम चालू है, मैं लिख रहा हूँ उसको, तो उसे उसके लिए थोड़ा सा समय है. अभी फिलहाल तो मैं कुछ और नहीं बात कर सकता उसके बारे में. Hopefully, yes. Yeah, why not? Amit, any possibilities of a sequel of this? Yes, that is a possibility. We need to, Mayank, you should ask Mayank that question also. Mayank could show that. Abhi toh, right now toh, we have not discussed it, but definitely it is a possibility we can. But then we have to ask both of you, which Hindi film was your favorite film of the year? She thought would have won an award. I really liked Anarkali of Ara. That was a film I really liked. I liked Tumhari Sullu a lot. I thought that was a very good film. Credit to sabhi logon ka hai, kyunki pehli to ye kahani jo hai ye haqeeqat pe based hai, to hame uske liye hum main aur Mayank kafi baar humko jana pada Chhattisgarh, wahan pe hame Mangal Kunjam naam ke ek journalist mile the, unke through hame kafi information mili kaise elections hote hain, kya hota hai. और हमारे और भी फ्रेंड्स थे छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में थे, जैसे जर्नलिस्ट हैं नंदिनी सुंदर, राहुल पंडिता हैं, और दानिश सॉरी अपने जावेद है, जावेद इकबाल है, तो जावेद इकबाल के फ़ोटोज़ थे जो हमने काफ़ी यूज़ किए थे, जिसके यूज़ करके हमने वो विलेज बनाया था. तो विलेज जो है वो असली फ़ोटोज़ पर बेस्ड हैं. और छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने हमें हेल्प किया, एक्टर्स प्लस हमारा जो कास्ट एंड क्रू था, वो सारे लोग काफ़ी चार्ज थे इस फिल्म को बनाने में. राजकुमार, एक्टर्स सारे, अंजलि, पंकज जी, रघुवीर यादव और कृष्णा है यहाँ पे. फिर हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स है नरेन और बेनेडिक्ट, फिर स्वप्निल सोनावने सिनेमाटोग्राफर, श्वेता वेंकट जो एडिटर है, और कास्टिंग डायरेक्टर है रोमिल मोदी, और नीरज गेरा और अनीस जॉन जिन्होंने साउंड पे काम किया, और हमारे प्यारे गांव और गांव के जो सारे हमारे जो एक्टर्स थे जिन्होंने हमारे जो गोंडी सुपरवाइजर्स थे, जो लैंग्वेज सुपरवाइजर्स थे. सो ऐसी बहुत बड़ी टीम थी. गणेश शेट्टी थे हमारे लाइन प्रोड्यूसर, राघव गुप्ता है हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो यहाँ पे है,
और इन सब का मतलब सब ने काफ़ी मेहनत की है इस फिल्म पे और सब ने प्यार से काम किया लाइक सो एक सिनर्जी थी इसमें और इसीलिए ये मतलब पूरे टीम को इसका क्रेडिट जाता है। अभी जब शुरुआती फिल्म होती है आपको पता नहीं होता है कि ऑस्कर में इसका नाम जुड़ेगा फिर नेशनल अवार्ड में जाएगा। अब आप एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गए हैं एज ए डायरेक्टर तो जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है उसके साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है तो अब जब अगली फिल्म बना रहे हैं अगला काम कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस और वो जिम्मेदारी किस तरह दबाव भी महसूस करती हैं क्या चल रहा है दिमाग में? नहीं ऐसा कोई दबाव नहीं महसूस करता हूँ क्योंकि मैं इस काम को एंजॉय करता हूँ। मुझे हमेशा से डायरेक्ट करनी थी फिल्म्स तो इसीलिए मैं इसको कोई जिम्मेदारी नहीं मानता हूँ मगर मैं इसको एक गिफ्ट मानता हूँ और मैं खुश हूँ कि लोग हैं मेरे साथ जो मेरे में बिलीव करते हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। I definitely think Rajkumar should have been awarded. I think he's done a brilliant job in not just Newton but also other films like he was in Trap, he was in Bareilly Ki Barfi. He's done a lot of good work this year, and it would have been great if he also had gotten some award. Have you spoken to him? Of course, yeah, we spoke. What did he have to say? He was very happy. He's a very positive person, and he's won the national award before. Correct. So he's a for us this is the first time. You should ask him that because I don't think he holds such expectations. I think he's the type of person who does his work and then he moves on. And he's already worked on some 4 or 5 films after Newton, so he's quite he's moved on. He's working on the next one now. Thank you. Thank you. Any celebrations planned in the coming days, like get together something? No, I think we are, nobody is here right now. Everybody is traveling on account of work. So, I don't think anything is planned right now. Amit, would you be interested in doing a commercial masala film? You know, when we talk about Newton, it's a different kind of cinema that Oscar has reached. Any such commercial film, you would be interested in casting Charu? Sub script pe depend hota hai. Agar waisi script aayi to kyun nahi? Par wo script pe depend hota hai. Aise doing a commercial masala? I believe that Newton is a commercial film. I don't know what the word masala means. That terminology keeps changing with time. You know, what you call masala in 80s is not masala in 90s. So, अभी अगर हम देखेंगे तो जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे commercial का भी एक जो definition है वो change होते जा रहा है. तो मैं मानता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि commercial बनाना है मतलब एक type का cinema बनाना पड़े. आपके पास अलग अलग कहानियाँ बना किसी भी कहानी पे बना सकते हो. अगर आप एक अच्छी फिल्म बनाते हो तो वो कमर्शियल बन जाती है. इंडस्ट्री में से कोई अन्य डायरेक्टर किसी ने कॉल किया आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए एनीवन आफ्टर? काफ़ी सारे लोगों ने किया है पर एक्चुअली मेरा फ़ोन भी बंद था कुछ देर के लिए क्योंकि वो बैटरी नहीं थी उसमें. थैंक यू. Thank you.